श्री शिव पंचाक्षर स्त्रोत्र। इस स्त्रोत्र के 5 श्लोकों में क्रमशः न मैं शी वा और यह है अर्थात नमः शिवाय, यह पूरा स्त्रोत्र शिव स्वरूप है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांध रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै ने कराए नमः शिवाय। हे महेश्वर, आप नागराज को हार स्वरूप धारण करने वाले हैं। हे तीन नेत्रों वाले त्रिलोचन, आप भस्म से अलंकृत नित्य अनादि एवं अनंत एवं शुद्ध हैं। अंबर को वस्त्र समान धारण करने वाले दिगंबर शिव आपके नए अक्षर द्वारा जाने वाले स्वरूप को नमस्कार है। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मैं कराए नमः शिवाय। चंदन से अलंकृत एवं गंगा की धारा द्वारा शोभायमान नंदीश्वर एवं प्रमथनाथ के स्वामी महेश्वर, आप सदा मंदार एवं बहुधा अन्य स्रोतों से प्राप्त पुष्पों द्वारा पूजित हैं। हे शिव, आपके मैं अक्षर द्वारा जाने वाले रूप को नमस्कार है। शिवाय गौरी बंदा वृच वंद सूर्याय दक्षध्वर नाश कराए श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शी कराए नमः शिवाय। हे धन ध्वजाधारी नीलकंठ, शी अक्षर द्वारा जाने जाने वाले महाप्रभु, आपने ही दक्ष के दंभ यज्ञ का विनाश किया था। माँ गौरी के मुख कमल को सूर्य समान तेज प्रदान करने वाले शिव, आपके शी अक्षर से ज्ञात रूप को नमस्कार है। वशिष्ठ कुंभोद्भव गोतमार्य मुनिंद देवार्चित शेखराय चंदार्क वैश्वनर लोचनाय तस्मै वे कराए नमः शिवाय। देवगण एवं वशिष्ठ अगस्त गौतम आदि मुनियों द्वारा पूजित देवाधिदेव सूर्य चंद्रमा एवं अग्नि आपके तीन नेत्र समान हैं। हे शिव, आपके वे अक्षर द्वारा विदित स्वरूप को नमस्कार है। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै ये कराए नमः शिवाय। हे यक्ष स्वरूप जटाधारी शिव, आप आदि मध्य और अंत रहित सनातन हैं। हे दिव्य चिराकाश स्वरूपी अंबरधारी शिव, आपके यह अक्षर रूप द्वारा जाने वाले स्वरूप को नमस्कार है। पंचाक्षर मिंद पुण्य ये पठेत शिव सन्निधो शिवलोकम व्यापोती शिवेन सह मोदते। जो कोई भगवान शिव के इस पंचाक्षर मंत्र का नित्य उनके समक्ष पाठ करता है, वह शिव के पुण्यलोक को प्राप्त करता है तथा शिव के साथ सुखपूर्वक निवास करता है। इति श्री मच्छकराचार्य विरचित श्री शिव पंचाक्षर स्त्रोत्र संपूर्णम। ओम नमः शिवाय।